नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनाली। उन्नाव में अग्निपथ विरोध के नाम पर युवाओं को आगे करके साजिश रची जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। इस दौरान उन्नाव में किसी प्रकार की कोई भी घटना ना हो, इसके लिए पुलिस की एक्टिवनेस सड़कों पर तेज है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में अग्निपथ योजना विरोध के नाम पर युवाओं को आगे करके साजिश रची जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। इस दौरान उन्नाव में किसी प्रकार की कोई भी घटना न हो, इसके लिए पुलिस की अलर्टनेस सड़कों पर तेज है। जहां पर उन्नाव पुलिस की सोशल मीडिया टीम व्हाट्सएप और फेसबुक पर नजर बनाए हुए है। किसी प्रकार से भड़काऊ पोस्ट आने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक युवक ने इनकलाब जिंदाबाद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें युवाओं को जोड़कर धरना प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था। पुलिस ने एक्टिव होकर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रुप के 5 अन्य सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोरावा थाने में कुछ लोगों द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए एक इकबाल जिंदाबाद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, और इस ग्रुप में तरह तरह की भ्रामक सूचनाएं भेजकर लोगों को उकसाया जा रहा था और धरना और जुलूस करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस ग्रुप पर समय रहते थाना पुलिस द्वारा काम किया गया, जिसमें ये पाया गया कि ग्रुप के एडमिन या ग्रुप के और भी अन्य कोई भी सदस्य का आर्मी से कोई रिलेशन नहीं था, ना ही कोई आर्मी की तैयारी कर रहा था। ये लोग सिर्फ माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे थे। जो ग्रुप के एडमिन थे उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया। शेष 5 अन्य सदस्यों को निरोधात्मक कार्रवाई कर जेल भेजा गया। दरअसल उन्नाव पुलिस अग्निपथ सेना भर्ती को लेकर अलर्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी लगातार युवा इसका विरोध जता रहे हैं। जहां शहरों में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में आईबी खुफिया विभाग के साथ ही साइबर सेल सर्विलेंस की टीम भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी कर रही है। इसी बीच उन्नाव की मोरावा थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जब एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा गया था कि मोरवा के अखोरी में मुख्य कस्बा तक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाए। इस दौरान मेरे जितने भी भाई हैं, सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा आर्मी की तैयारी कर रहे लड़कों के पास शेयर करें। ये मैसेज वायरल होते ही उन्नाव पुलिस तेजी से ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार कर लिया, जहां ग्रुप एडमिन पतियोल दासी गाँव का रहने वाला गोविंद ने ये ग्रुप बनाया था। वहीं इस ग्रुप का नाम इनकलाब जिंदाबाद रखा और जिसमें कई युवक को जोड़ा गया था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। तत्काल प्रभाव से सर्विलेंस साइबर की टीम ने नंबरों के आधार पर ग्रुप के एडमिन गोविंद को गिरफ्तार कर लिया है। वही पुलिस की तफ्तीश में पाया गया, जो लोग इनकलाब जिंदाबाद का ग्रुप बनाकर धरना जुलूस के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनका सेना की भर्ती और सेना की तैयारी से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 5 युवक इनकलाब जिंदाबाद ग्रुप के ग्रुप एडमिन अंकित कुमार, गौरव प्रताप, अमित कुमार, शिव प्रकाश, पुनीश कुशवाहा हैं। ये साफ है कि अग्निपथ योजना को लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिनका इस योजना से कोई वास्ता नहीं है। वो सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने और देश की शांति को भंग करने के लिए इस तरीके से हिंसा भड़का रहे हैं। ऐसे में इस योजना के फायदों को आप समझे नहीं तो आपके हाथ आया एक सुनहरा मौका निकल जाएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।